नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। बात करेंगे आज सूर्य महाराज का जो सिंह राशि में भ्रमण होने वाला है उसके बारे में। 17 अगस्त 2011 से 17 सितंबर 2011 तक सूर्य महाराज सिंह राशि में रहेंगे। आइए देखते हैं प्रत्येक राशि को ये कैसा फल देंगे। 17 अगस्त को सूर्य महाराज का सिंह राशि में भ्रमण होता है 11:48 को सुबह में। पुण्य काल जो है वो 11:48 से लेकर सूर्यास्त तक है। आपको जो कुछ भी मंत्र करना है, दान करना है, वो सूर्यास्त से पहले करें। फ्रेंड्स, एक अगत्य की बात कर देते हैं कि जो भी मंत्र दान आप पुण्य काल में करते हैं आपको उसका 100 गुना फल मिलता है, इसलिए सूर्य संक्रांति का जो है वो बहुत महत्व है। अब देखते हैं प्रत्येक राशि को ये भ्रमण कैसा रहेगा। सूर्य महाराज सिंह राशि में 17 अगस्त 2011 से भ्रमण कर रहे हैं। देखते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के लिए फल कैसा रहेगा। मेष राशि को ये जो सूर्य है वो चंद्र राशि से पंचम भाव में है। पंचम भाव में होने की वजह से सामान्य संतान संबंधी चिंता हो सकती है, प्रणय संबंध में थोड़ी सी निराशा हो सकती है। जो कोई भी व्यक्ति अभ्यास कर रहा है उसको अभ्यास में भी थोड़ा केयर करना पड़ेगा। भ्रमण आपके लिए मध्यम है। वृषभ राशि जो है वो राशि चक्र की दूसरी राशि है और वृषभ राशि को ये जो भ्रमण है वो चतुर्थ स्थान में होने वाला है, जो कि माता का स्थान है, मातृ स्थान है। माता या पिता को कष्ट हो सकता है, अदरवाइज उनसे आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। करियर में, बिजनेस में भी थोड़ा सा माइनर टेंशन हो सकता है। भ्रमण आपके लिए शुभ नहीं है। अशुभत्व के निवारण के लिए हर रविवार को 6 गाय को 100 ग्राम गुड़ खिलाएं। सूर्य भगवान का दिन में 3 बार दर्शन करें। सूर्य भगवान का मंत्र करें और जितनी हो सके इतनी हो सके इतना गाय को गुड़ खिलाएं। राशि चक्र की मिथुन राशि तीसरी राशि जो है वो मिथुन राशि है और मिथुन राशि को जो ये भ्रमण है वो पराक्रम स्थान में होने वाला है। पराक्रम स्थान का जो सूर्य है वो आपके लिए बहुत शुभ है। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, ब्रदर सिस्टर रिलेशन से आपको बेनिफिट मिलेगा, नेबर्स आपके लिए सहाय रूप हो सकते हैं। भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। कर्क राशि को जो ये भ्रमण है वो धनस्थान का सूर्य है, दूसरा सूर्य है, तो वाणी में आपको संयम रखना है। आंखों की थोड़ी पीड़ा हो सकती है। फैमिली एंड फाइनेंस दोनों मैटर में आपको थोड़ा केयर करना है। सिंह राशि, राशि चक्र की पंचम राशि है सिंह राशि का जो भ्रमण है सूर्य का वो अपने चंद्र के ऊपर से हो रहा है, तो जिसके कारण हेल्थ में आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। साथ में आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन खराब ना हो उसका भी आपको केयर करना पड़ेगा। भ्रमण आपके लिए मध्यम है। कन्या राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो 12वें स्थान का सूर्य है, 12वां सूर्य जो कि अच्छा शुभ नहीं माना गया है। अनएक्सेप्टेड एक्सपेंस आ सकता है, आंखों की पीड़ा हो सकती है, कोर्ट कचहरी का जो कोई मैटर है तो उसमें भी आपको थोड़ा पीछे हट करना पड़ सकता है। भ्रमण आपके लिए शुभ नहीं है। अशुभत्व के निवारण के लिए दिन में 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन करें, हर रविवार को 6 गाय को 100 ग्राम गुड़ खिलाएं और सूर्य भगवान के मंत्र करें। तुला राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो 11वें स्थान का सूर्य है। 11वें स्थान का सूर्य होने की वजह से आपको मित्रों से लाभ रहेगा, संतान से लाभ रहेगा। शेयर बाजार या सट्टा से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए शुभ नहीं है। वृश्चिक राशि जो है वो राशि चक्र की 8वीं राशि है और 8वीं राशि होने की वजह से तुला राशि के लिए फल मध्यम है। राशि चक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लिए जो भ्रमण है वो 10वें स्थान का सूर्य है, ये आपके लिए राजयोग कारक है, तो ये भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पिता से सामान्य थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मदर से भी ऐसा थोड़ा हो सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत उत्तम है, बिजनेस में तरक्की होगी। भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। धन राशि के लिए जो ये भ्रमण है वो भाग्यस्थान का सूर्य है। भाग्यस्थान का सूर्य होने की वजह से भाग्य में वृद्धि होगी,
ब्रदर सिस्टर रिलेशन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन भ्रमण आपके लिए शुभ है। मकर राशि, मकर राशि के लिए जो सूर्य का भ्रमण है वो अष्टम स्थान का सूर्य है। अष्टम स्थान का सूर्य होने की वजह से आपको थोड़ा सा फैमिली एंड फाइनेंस रिलेटेड मैटर में आपको केयर करना है, भ्रमण आपके लिए शुभ नहीं है। कुंभ राशि, कुंभ राशि को जो भ्रमण है सप्तम भाव का सूर्य है। सप्तम भाव का सूर्य जो है इसके कारण आपको अननेसेसरी टेंशन क्रिएट हो सकता है, टेम्परनेस आपकी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप है तो उसमें, अदरवाइज़ मैरिड लाइफ में पार्टनर से आपको थोड़ा सा टेंशन मिल सकता है। भ्रमण आपके लिए मध्यम है। राशि चक्र की अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है, और मीन राशि को ये सूर्य का भ्रमण जो है वो बहुत शुभ है। छठे स्थान में सूर्य महाराज का भ्रमण होगा, राजयोग कारक है। एब्रो रिलेशन से आपको लाभ मिलेगा, रोग एवं शत्रु पर विजय मिलेगा। भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है। नमस्कार।